तो Redmi के Note 8 और Vivo के U20 में टफ कंपटीशन हो चुका है और बहुत सारे लोग अभी कंफ्यूज हैं कि उनको एक कौन सा बेस्ट फोन चाहिए, Redmi Note 8 लें या फिर Vivo का U20 लें। उनके समझ ही में नहीं आ रहा है कि वो बेचारे कौन सा एक बेस्ट फोन लें और यहाँ पर कौन राजा बने, कौन किंग बने। यहाँ पर Redmi Note 8 पहले राजा था अपने बजट अंडर 10,000 की रेंज में, जो कि एक अच्छा स्मार्टफोन था और बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन लेकर आया था सबके लिए। बट यहाँ पे MI फैंस भी होंगे और Vivo की भी फैंस होंगे। MI वाले कहेंगे मैं ही खरीदूंगा चाहे कुछ भी हो। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि वो कौन सा बेस्ट फ़ोन लें जिसमें उनको एक अच्छी परफॉर्मेंस मिल सके, अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस मिल सके, अच्छी बैटरी लाइफ मिल सके और एक अच्छी डिस्प्ले मिल सके, जिससे कि वो एक ऑलराउंडर फ़ोन ले सकें। तो आप कौन सा फ़ोन चूज़ करना चाहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप कौन सा फ़ोन लेना चाहते हैं, Vivo का U20 लेने को सोच रहे हैं या फिर Redmi का Note 8 लेने को सोच रहे हैं। और इस वीडियो को लाइक करते चलिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अगर वो कन्फ्यूज़ हैं और एक बेस्ट फ़ोन नहीं ले पा रहे हैं। आज मैं आपकी कन्फ्यूज़न दूर करूँगा और मैं बताऊँगा कि आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, Vivo का U20 लेना चाहिए या फिर Redmi का Note 8 लेना चाहिए। अगर बात की जाए Redmi Note 8 की, तो Redmi Note 8 में आप लोगों को बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है। वहीं पर अगर देखा जाए तो Vivo के U20 में उतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी आपको देखने को नहीं मिलती। वो ऐसे Vivo के U20 में आपको पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की बैक देखने को मिलती है और फ्रंट में आप लोगों को पांडा MM3 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। बट अगर बात की जाए Redmi Note 8 की, तो यहाँ पे आप लोगों को ग्लास बॉडी देखने को मिलती है। Redmi Note 8 में आप लोगों को यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है फ्रंट और बैक में। जो इसके फैन है, जो ग्लास बॉडी लेना चाहते हैं, जो ग्लास पैनल्स लेना चाहते हैं, वो तो MIUI को खरीदेंगे। और अगर बात की जाए यहाँ पर प्रोसेसर की, तो आप लोगों को प्रोसेसर जो देखने को मिलता है वो Vivo के U20 में ज़्यादा बेस्ट देखने को मिलता है। जैसे कि आपको Snapdragon 675 का प्रोसेसर मिलता है जो कि 11nm पर आधारित होता है। और अगर बात करें Redmi Note 8 की, तो यहाँ पर आप लोगों को Snapdragon 665 का प्रोसेसर मिलता है। Vivo का U20 Redmi के Note 8 से 20% फास्टर है। कैमरा परफॉर्मेंस यहाँ पर देखें तो Redmi Note 8 की कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी मुझे लगी और Vivo की इतनी कमाल की मुझे नहीं लगी कैमरा परफॉर्मेंस। अगर बात की जाए Redmi Note 8 में आप लोगों को 48+8+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा देखने को मिलता है, जो कि अगर बात करें 48 मेगापिक्सल का कौन सा सेंसर मिलता है, तो सैमसंग का GM1 सेंसर देखने को आपको मिलता है। अगर इसके इमेज प्रोसेसिंग की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी इमेज आती हैं। ये कह सकते हैं कि Redmi Note 8 Pro से 19 ही फोटो आती है। और अगर बात करें Vivo U20 की, तो यहाँ पे आप लोगों का 16+8+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है रियर में। और अगर इसके इमेज प्रोसेसिंग और इसके सेंसर की बात करें, तो यहाँ पर आपको सोनी का IMX499 सेंसर देखने को मिलता है। और यहाँ पर इमेज क्वालिटी उतनी अच्छी मुझे नहीं देखने को मिली जितनी Redmi Note 8 की देखने को मिली। जो मैंने रिव्यूज़ देखे, जो मैंने अपनी आँखों से देखा, वो मैं आपको सच बता रहा हूँ। अगर बात करें फ्रंट कैमरे की सेल्फी की, तो यहाँ पे आपको सेल्फी में Vivo U20 ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है और Redmi Note 8 Pro में 13 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। बैटरी के मामले में अगर आप लेना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप Vivo U20 के साथ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है, फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है। बट आपको इसमें USB टाइप सी पोर्ट जैसा ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, जो कि Vivo U20 में नहीं होता है। बट अगर बात करें Redmi Note 8 की, तो यहाँ पर आपको 4000mAh की बैटरी मिलती है, कोई चार्जिंग 4.0 का सपोर्ट मिलता है और USB टाइप सी पोर्ट जैसा ऑप्शन भी आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको थोड़े से अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं Redmi Note 8 में, जैसे कि USB टाइप सी पोर्ट हो गया, Gorilla Glass 5 का प्रोडक्शन फ्रंट और बैक में हो गया, आप लोगों को कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी मिलती है और प्रोसेसर तो ठीक ठाक मिल ही जाता है। और अगर बात करें यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी की, तो वो भी बहुत ही अच्छी मिलती है। डिस्प्ले भी आपको 6.3 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलती है और 9,999 रुपये की कीमत में देखने को मिलता है। बट अगर बात करें यहाँ पर Vivo की, तो आप लोगों को Vivo में एक अच्छा प्रोसेसर देखने को मिलता है गेमिंग वगैरह के लिए और आपको एक बड़ी बैटरी मिलती है 5000mAh की। और अगर बात की जाए यहाँ पर, तो आपको कैमरा परफॉर्मेंस उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती जितनी Redmi Note 8 में देखने को मिलती है। डिस्प्ले आप लोगों को 6.5 इंच की मिलती है। तो अगर कंक्लूजन निकाला जाए कि आपके लिए सबसे बेस्ट फ़ोन कौन सा हो सकता है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपके लिए कौन सा सबसे बेस्ट हो सकता है। बट अगर मैं अपना ओपिनियन यहाँ पर दूँ,
तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं Redmi Note 8 के साथ जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है, कैमरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलती है, बट 20% फास्टर मिलता है, तो वो क्या हुआ, मैं एडजस्ट कर लूँगा Redmi Note 8 के साथ। तो आप कैसे एडजस्ट करेंगे, Vivo U20 लेना चाहेंगे या फिर Redmi का Note 8, आप मुझे बताइए। Vivo के U20 की अगर प्राइस की बात करें तो ये आपको 10,990 रुपये की कीमत में मिलता है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो और ये कंपैरिजन कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिए। इस वीडियो पे लाइक का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का, और अगर इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।